तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफ एफ शेयर कर रही थी। ये एक ओमेगा वर्स एफ एफ है। इस स्टोरी में हमने अब तक देखा था कि लेंजेन जो था विहिंग को ना बहुत मतलब हर्ट करता है, और हमारा विहिंग जो होता है वो रो रहा होता है सुबह, और वहाँ पे ना लेंजेन आता है कमरे में और कहता है कि विहिंग तुम रो रहे हो, बोलता है। तो हमारा विहिंग जो होता है ना वो डर जाता है कि लेंजेन अब क्या करेगा करके, और वो चुप हो जाता है। और ना हमारा विहिंग जो था ना वो नेकेड था, कंबल ओढ़े हुए था बेड पे बैठा हुआ। तो हमारा लेंजेन जो होता है ना वो विहिंग को ना अपनी गोद में उठा लेता है, और ना उसे ना बाथरूम ले जाता है। और हमारा लेंजेन जो होता है ना बाथरूम में विहिंग को ले जाता है, तो हमारा विहिंग जो होता है ना उसे रोक रहा होता है, लेकिन हमारा लेंजेन जो होता है वो नहीं रुक रहा होता है। और ना विहिंग को ना बाथरूम में ले जाता है, और ना शावर ऑन कर देता है, और उसके नीचे ना विहिंग को खड़ा कर देता है। और ना लेंजेन जो होता है ना वो अपने कपड़े उतारने लगता है, और ना ये देख कर ना हमारा विहिंग डर जाता है कि लेंजेन अभी मेरे साथ क्या करेगा करके। तो ना हमारा विहिंग जो डरा हुआ होता है और वो भीग रहा होता है, तो लेंजेन कहता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना विहिंग, बोलता है। तो हमारा विहिंग डर जाता है कि ये अब क्या करवाएगा मेरे से, बोल के। तो ना उसके बाद ना हमारा लेंजेन जो होता है ना अपने कपड़े उतार देता है, और ना विहिंग को कहता है कि मुझे सेटिस्फाइड करो, बोलता है। मतलब कहता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट को सक करो, बोलता है। तो ना हमारा विहिंग जो होता है वो ना कहता है। तो ना हमारा लेंजेन जो होता है ना वो गुस्से में हो जाता है, और ना विहिंग को ना एक चाटा मारता है और कहता है ये तुम्हारी ड्यूटी है विहिंग, तुम्हें करना पड़ेगा, बोलता है। तो हमारा विहिंग ना लेंजेन के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है, और ना हमारा लेंजेन जो होता है वो मूव करने लगता है। और ना उसके बाद ना हमारा लेंजेन जो होता है ना विहिंग के मुंह में ही रिलीज़ कर देता है, और ना हमारे विहिंग को ना फिर खड़ा करता है, और ना उसे ना दीवार की तरफ पिन कर देता है। और ना विहिंग को ना किस कर रहा था, लिख कर रहा था, सब कर रहा था, और उसकी पूरी बॉडी में। और हमारे विहिंग को तो लेंजेन ने माफ कर दिया था, लेकिन विहिंग ने लेंजेन को नहीं किया था। तो ना हमारा लेंजेन कहता है कि मुझे माफ़ करो विहिंग, बोलता है। तो हमारा विहिंग ना पहले तो डरा हुआ होता है कि क्या करूं क्या करूं करके, फिर ना वो लेंजेन को ना माफ़ कर देता है। और उसके बाद ना हमारा लेंजेन जो होता है ना विहिंग के ना पूरी बॉडी पे किसिस करने लगता है, सकिंग करने लगता है, बाइटिंग करने लगता है। और ना हमारे विहिंग की ना मतलब चेस्ट पे ना लिख कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। तो हमारे विहिंग को ना बहुत दर्द हो रहा था। और ना उसके बाद ना हमारे विहिंग को ना वो ना उल्टा कर देता है, मतलब पलटा देता है, और ना अपने प्राइवेट पार्ट को ना विहिंग के अंदर एंटर करता है। तो हमारा विहिंग जो होता है ना वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है। और ना उसके बाद ना हमारा लेंजेन जो होता है विहिंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, और वो दोनों ना वहाँ पे भीग रहे थे। और ना उसके बाद ना हमारा विहिंग जो होता है लेंजेन को कहता है कि रुको रुको, बोलता है, लेकिन लेंजेन नहीं रुक रहा था। तो ना हमारा विहिंग जो होता है ना कुछ देर बाद ना बेहोश हो जाता है। तो ना लेंजेन जो होता है ना एक डेविल से स्माइल करता है कि तुमने ये सब किया, मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, और ये तुम डिज़र्व करते हो, विहिंग बोलता है। और ना विहिंग को ना गोद में उठा के ले आता है, और ना बेड पे ना सुला देता है, और ना विहिंग को कपड़े पहना देता है और खुद पहन लेता है, और ना कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग को ना
अगले दिन सुबह हो जाता है तो उसे पता लगता है कि लैंसन के जो अंकल हैं ना वो घर में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं क्योंकि उनको काम रहता है, तो वो विंग से मिलने आए हैं और वहाँ पे लैंसन भी नहीं है। तो हमारा विंग जो होता है ना बड़ी मुश्किलों से तैयार होता है और ना अंकल के पास जाता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम अब हमारे घर का हिस्सा हो तो तुम्हें हमारे बारे में सब पता होना चाहिए, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, विहिंग बोलते हैं। तो हमारा विहिंग जो होता है वो हाँ कहता है और उसके बाद ना अंकल जो होते हैं ना वो विहिंग को ना एक कमरे में लेकर जाते हैं और विहिंग वहाँ पे देखता है कि एक पर्सन जो है ना वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है और ना उसके मतलब मशीनें लगी हुई हैं और उनकी बॉडी के साथ अटैच हैं। और अंकल कहते हैं कि ये लैंसन है, लैंसन का बड़ा भाई बोलते हैं। तो हमारा विंग सॉफ्ट हो जाता है कि मुझे तो नहीं पता था कि लैंसन के कोई बड़े भाई हैं करके। तो अंकल कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे घर वालों को पता है बोलते हैं। तो विंग हाँ बोलता है और उनसे पूछता है कि अंकल ये मतलब लैंसन के भाई को क्या हुआ बोलता है विंग। तो अंकल कहते हैं कि ये लैंसन जो है ना वो जब कॉलेज में था ना तो एक लड़के से प्यार करता था और हमारा लैंसन जो है वो एक अल्फा है और जिससे वो प्यार करता था वो एक ओमेगा था। तो ना वो दोनों एक साथ थे तो वो दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस ओमेगा के घर वाले ना शादी के लिए नहीं माने तो ये दोनों ना भागकर शादी करने वाले थे। लेकिन वो ओमेगा जो है ना लैंसन के पास नहीं आया और लैंसन को लगा कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे प्यार नहीं करता है, ऐसा सब लगा। तो उसने ना अपनी जान लेने की कोशिश की, वो छत पे गया और वहाँ से कूद गया और उसकी ना कंडीशन बहुत ख़राब थी तो उसका ना ट्रीटमेंट हुआ। तो उसे ना फिर मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, पहले तो हॉस्पिटल में था वो और वो कोमा में चला गया था, तो उसका देखभाल सब यही होता है और ये सब बता रहे थे अंकल। तो हमारे विंग को ना बहुत बुरा लग रहा था कि किसने इनको धोखा दे दिया जो ये अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सोच रहा था, मतलब उसे बुरा लग रहा था। तो विंग को कहते हैं कि तुम कभी कभार लैंसन के पास आ जाना, मतलब उसकी स्टोरी पढ़ के सुनाना और उसके साथ थोड़ी बातें करना, ये सब करना बोलते हैं। लेकिन याद रहे कि लैंसन को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम उसके बड़े भाई के बारे में जानते हो और उनसे मिलते हो करके, नहीं पता लगना चाहिए बोलते हैं। तो विंग पूछता है क्यों अंकल बोलता है। तो अंकल कहते हैं कि लैंसन को पसंद नहीं है कि कोई भी उसके भाई के पास जाए या उसके आसपास रहे, ऐसा बोलते हैं अंकल। तो हमारा विंग जो होता है वो हाँ बोल देता है और उसके बाद ना अंकल वहाँ से चले जाते हैं और विंग जाकर ना लैंसन के पास एक चेयर था तो मतलब बेड के पास, तो वहाँ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा नाम विंग है और मैं लैंसन का हस्बैंड हूँ और मैं आपको गगा बुला सकता हूँ बोलता है। तो लैंसन तो कोई जवाब तो नहीं देते ना, वो तो कोमा में है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं आपको ना गगा बुलाऊँगा सिचन का, तो मैं आपसे बातें करने आऊँगा, आपसे के साथ बातें करूँगा, ये सब बोलता है और ना वहाँ से चला जाता है उनको बाय बोल के। और ना हमारा विंग जो होता है अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे ना कुछ देर बाद ना लैंसन आता है और ना वो विंग को कहता है कि मैं कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ
और तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे विंग, नहीं तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, बोलता है। तो हमारा विंग जो होता है हाँ कहता है। और उसके बाद ना लेजेंड जो होता है अपने काम की वजह से वो बाहर जा रहा था तो वो चला जाता है। और उसके बाद ना हमारा विंग जो होता है घर में अकेला रहता है तो वो बोर हो रहा होता है, तो वो ना सिचनगा के पास जाता है और वहाँ जाकर ना उनको स्टोरी पढ़ के सुनाता है, उनसे बातें करता है कि मैं और लेंजन ऐसे मिले थे, हम दोनों की शादी ऐसे ऐसे हुई, आप होते तो कितना अच्छा लगता, ये सब बोल रहा। और ना ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और वह हमारा लेंजन जो होता है ना वो घर पे आ जाता है। तो हमारे विंग को जो होता है पता नहीं होता है कि लेंजन घर आ चुका है। तो हमारा लेंजन जो होता है अपने भाई के कमरे में जाता है कि मैं अपने भाई को पहले देख लूँ कि वो ठीक है कि नहीं करके। तो वो जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि हमारा विंग जो होता है लेंसिचन को स्टोरी पढ़ के सुना रहा होता है। और वो ना बहुत खुश हो रहा होता है कि सिचन का ऐसा हुआ वैसा हुआ कर रहा होता है। तो ये देखकर ना हमारा लेंजन गुस्से में हो जाता है और ना चिल्लाता है विंग करके। तो ना विंग लेंजन को देखकर ना डर जाता है। और हम कल स्टोरी में देखेंगे कि हमारा लेंजन जो होता है विंग के साथ क्या करता है और स्टोरी में आगे क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना प्लीज़। हाँ कमेंट ज़रूर करना। हाँ ओके बाय।